टीबी के मरीजों की खोज और मरीजों की जांच के लिए जिलाधिकारी सभागार में गुरुवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। एडीएमई चतुर्भुज गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला क्षय रोग केंद्र के डॉक्टर, प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर और अन्य सामाजिक संस्थाओं को टीबी की जाँच के लिए आरडीओ वीडियो के माध्यम से विशेष जानकारियाँ दी गई। साथ ही साथ मरीजों के इलाज के बारे में भी बताया गया। बैठक में एडीएमई चतुर्भुज गुप्ता, डॉक्टर बीबी राव, डॉक्टर विराट स्वरूप, डॉक्टर सुनील सिंह, एएन मिश्रा, अरुण सिंह सहित छह रोग केंद्र के अन्य डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला समन्वयक दीपेश कुमार सैन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा, भी लोग रहते हैं तो वहाँ चर्चा करके उसको लिस्ट दे करके जाँच जो है पीएससी स्तर पर, सीएससी स्तर पर हर जगह हो रहा है। उसको कहते हैं डीएमसी सेंटर, डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपिक सेंटर होता है, हर पीएससी सीएससी पर वह मौजूद है। अब ये और आसान हो गया है कि यदि किसी मरीज को वहाँ डायग्नोसिस हो जाता है टीबी है तो फिर उसको तुरंत जो है उसका जो है हम टीएसटी कराते हैं, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, जो अपने यहाँ अच्छी मशीन आई हुई है, सीबीनेट मशीन कहलाती है, जो जिला पर है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है और एक बढ़लगंज सीएससी पर है। इससे यह फायदा होता है कि जब कोई भी मरीज टीबी का नया खोजा जाता है तो वह उसका जांच कराते हैं कहीं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है तो उसी के हिसाब से दवा चलेगा, नहीं तो पहले जो है सिंपल दवा चलता था, फिर उसके बाद जांच होता था, फिर निकलता था, सोचती थी कि क्या हो सकता है, तब तक टाइम ज़्यादा गुजर जाता था, एक्सपेंसिव होता था और आराम भी नहीं होता था। तो अब अर्ली डायग्नोसिस के हिसाब से फिर उसकी प्लानिंग कि कौन सी दवा सुटेबल हो, वह दवा चलाना एक हफ्ते के अंदर ही प्रावधान है। जब तक हम रूट लेवल से मरीजों का जांच नहीं हो जाता है और उसमें एक घर में यदि कोई टीबी का मरीज निकलता है तो घर के अगल बगल वह व्यक्ति जहाँ जहाँ जिसके संपर्क में रहता है उसका जो है काउंसलिंग करके उसका जांच कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में एक आदमी भी जो है कई जगह जाता है, वह गांव का आदमी है, हो सकता है शहर में आकर मजदूरी करता हो, मजदूरों के बीच में रहता हो, उनको तो पकड़ना मुश्किल है, लेकिन जब डिटेल में हिस्ट्री लेंगे तब पता चले किसके किसके कॉन्टेक्ट में यह आया है। ये थोड़ा सा टफ कार्य है, लेकिन यदि प्रयास होगा तो उसको टीबी हो, बाकी तो अदर भी जो है होता है। इस तरह के कोई लक्षणों के साथ आता है तो उसे हम संभावित रोगी मानते हैं, प्रेजेंटिव टीबी केस बोलते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य में अक्षय परियोजना सीबीसीआई कार्ड, साथ ही साथ आरएनटीसीपी के सहयोग से एक संवेदीकरण का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार और विभिन्न विभाग से आए हुए लोगों को टीबी के बारे में बताया गया, उसकी जागरूकता दी गई है। फिलहाल अक्षय परियोजना सीबीसीआई कार्ड जनपद के 13 टीबी यूनिट्स में काम कर रहा है। विभिन्न गतिविधियाँ जैसे अक्षय संवाद, हेल्थ कैंप, फास्ट ट्रैकिंग और साथ ही साथ टीबी पेशेंट सेंसिटाइजेशन मीटिंग, इस प्रकार की आहूत कर रहा है ताकि मरीजों को जल्द से जल्द खोजा जा सके और उनको अपने नियरेस्ट डीएमसी पे उनकी जांच को सुनिश्चित कराकर उनको इलाज पे लाया जा सके। टीबी की जागरूकता अभी हमारा ये चल ही रहा है, 24 तारीख से 28 तारीख तक हमें टीबी दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रम करके मनाया जाना था, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने यहाँ विभिन्न संस्थाओं को, एनजीओस को और सभी हमारे सहयोगी संस्थाओं को बुलाया था और हमारे चिकित्सक भी थे, हमारे टीबी क्लिनिक के लोग भी थे। एडीएम साहब की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और जिसमें बहुत सारी जानकारी दी गई कि टीबी के मरीज़ों को कब कब हमने खोजा, कितने हमारे इलाज में हैं, कितने इलाज में चल रहे हैं और कितने हमने खोजे हैं और हम कैसे कैसे उन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि टीबी एक क्योरेबल डिजीज़ है और इसको हमें 2025 तक भारत से बिल्कुल फ्री करना है, भारत को टीबी मुक्त करना है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उसी दिशा में
सभी चीज़ें हो रही हैं। हमारा एक पोर्टल है जिस पे हम एंट्री भी करते हैं, और अब आप लोगों को पता है कि इसमें अगर कोई बताता है कि फला व्यक्ति को ऐसे सिम्टम्स हैं और वो टीबी हो सकती है उसको, उसकी हम जांच करते हैं, अगर वो पाया जाता है कि उसको टीबी है तो उसे 500 रुपये दिए जाते हैं, और जो हमारा टीबी का मरीज है उसे भी 500 रुपये प्रति माह डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में भेजा जाता है जिससे उसका भरण पोषण हो सके। तो टीबी किसी भी प्रकार से लाइलाज नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि लोग समय से सही ट्रीटमेंट लें, सही जगह ट्रीटमेंट लें और कंप्लीट ट्रीटमेंट लें। टीबी लाइलाज तब हो जाती है जब हम थोड़े दिन इलाज लिए ठीक हो गए, फिर छोड़ दिए, फिर थोड़े दिन इलाज लिए ठीक हो गए, उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और कभी कभी ये रेजिस्टेंस ऐसा डेवलप हो जाता है कि फिर कोई भी दवा कार्य करना बंद कर देती है। तो ऐसा ना हो, इलाज पूरा लें, और जनता से मेरी अपील है कि सरकारी हमारे तंत्र में सब दवाएँ निःशुल्क हैं, सब जाँचें निःशुल्क हैं, और वो आकर अगर लंबे समय की खांसी है, 12-15 दिन से खांसी आ रही है, 12-15 दिन से बुखार आ रहा है, उसका वजन घट रहा है, उसको भूख नहीं लग रही, ये सब सिम्टम्स होते हैं जो टीबी के, तो इस ऐसे कोई सिम्टम हो तो वो जांच अवश्य कराएं। आपका सबका धन्यवाद।